मेरी हर कामना का आधार है शिव, मेरी हर नदी की नाव है शिव, मेरी हर सांस का मालिक है शिव। शिव कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत तुम खुद ही बनाते हो, मैंने कभी तुम्हारा नियंत्रण नहीं करता, लेकिन जब तुम बुरे कर्म करते हो तो मैं तुम्हारा संहार जरूर करता हूँ। इंसान को अपने कर्मों पर पूरा विश्वास है तो महादेव उस पर असीम कृपा बरसाते हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। शिव कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। शिव कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये शिव ही तय करता है। इस दुनिया में शिव से बाहर कुछ भी नहीं है। शिव बहुत जटिल है और इनका सार पूर्ण है। जानने और मुक्ति का प्रथम स्रोत आदि योगी शिव ही है। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वो हर किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। शिव कहते हैं, जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। शिव कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फलेंगे ज़रूर। ब्लेड की धार बहुत तेज़ होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल को नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान की अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली की जैसी होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। लोग आपको ज़रा सी बात पर छोड़ देते हैं,
और शिव जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन की परिस्थितियां क्या है, शिव हमेशा साथ रहते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का नहीं, मुक्ति का समाधान है शिव। शिव के प्रेम में चूर होने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना हो तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत ज़रूरी था। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जब जब आया हूँ तेरे द्वार, कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर मिला है। शिव, तेरी ज्योति से प्रकाश पड़ता है। शिव की भक्ति से मेरा मन बदल गया, मेरे अच्छे कर्म ही मेरा धर्म बन गया। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब शिव देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ। जो आज आपके साथ है, वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज़्यादा करनी चाहिए। भक्ति सच्ची हो सकती है, बस नियत हमेशा अच्छी रखना। शिव कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराना नहीं, आप निखर रहे हैं। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिलों से लगाना छोड़ दे, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा है सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ही ठोकर खाता है। शिव कहते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी समझता है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर ज़रूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद
और उम्मीद। इसका इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठता है। मेरी शक्ति शिव में ही संभव है। शिव मेरे गुरु, मेरे आराध्य हैं। नित्य शिव को नमन करता हूँ, नित्य शिव के भजन करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।